दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद एकलव्य ने इस तरह लिया था महाभारत के युद्ध में भाग? जी हाँ, बताएंगे आपको इस घटनाक्रम के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी तथ्यों और वेद पुराणों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें मारना मुश्किल था। लेकिन ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, और ऐसे भी योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध से पहले ही अन्य किसी युद्ध में मारे गए थे। एकलव्य भी एक ऐसा योद्धा था जिसने कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषादराज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। कहते हैं कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वसुदेव के भाई का बेटा था। ये एक जंगल में खो गया था और हिरण्यधनु नाम के निषाद राजा को वो मिला था। तब से उसे हिरण्यधनु का पुत्र ही माना जाता है। ये धारणा गलत है कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वो एक शूद्र जाति से था, जबकि सच ये है कि द्रोणाचार्य ने भीष्म को वचन दे रखा था कि मैं आपके राज्य के पुत्रों को ही शिक्षा दूंगा, इसके अलावा अन्य किसी को भी शिक्षा नहीं दूंगा। और दूसरा, द्रोण ने अर्जुन को कहा था कि तुमसे बढ़कर कोई धनुर्धारी नहीं होगा। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जाकर मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब यादव सेना की सफाया होने के बाद ये सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची, तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज चार उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि ये पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका किसी को भी पता नहीं है। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वो कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वो भीम के हाथों से मारा जाता है। तो दोस्तों, ये था एकलव्य से जुड़ा ये वाक्या। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।